चेन्नई सुपर किंग्स ने पांचवी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। गुजरात के खिलाफ फाइनल में कई रोमांचक पल देखने को मिले। कभी लगा कि मैच गुजरात की पकड़ में है तो कभी चेन्नई ने बढ़त बनाई। हालांकि अंत में सीएसके की जीत हुई। इस मैच का एक खास पल खूब वायरल हो रहा है। दरअसल गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 214 रन बनाए थे। हालांकि डकवर्थ लुइस नियम से चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य मिला। 15वें ओवर के आखिरी दो गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए 10 रन की जरूरत थी। धोनी खाता खोले बिना पवेलियन लौट चुके थे। वो डग आउट में बैठे थे। जब दो गेंदें बची थी तो धोनी ने आंखें बंद कर ली थी और वो काफी उदास दिख रहे थे। हालांकि इसके बाद जडेजा ने कमाल कर दिया। उन्होंने मोहित शर्मा के 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जीत दिलाई। इसके बाद जडेजा डगआउट की तरफ दौड़े, तभी धोनी बीच में आए और उन्होंने जडेजा को गोद में उठा लिया। इसकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इसके साथ ही जडेजा ने उन तमाम खयासों को पीछे छोड़ दिया कि उनके और धोनी के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है। हाल ही में जडेजा और धोनी के बीच मैदान में बहस करने की तस्वीर वायरल हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच विवाद के खयास लगाए जा रहे थे। जडेजा के कुछ ट्वीट ने इन खयासों को और बढ़ावा दिया था। हालांकि जिस प्रकार धोनी ने जडेजा को गले से लगाया, उससे ये साफ हो गया कि दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है। धोनी मैच के बाद जडेजा की पत्नी रिवावा से भी मिले और दोनों मुस्कुराते हुए बातचीत करते भी दिखे थे। इससे पहले गुजरात ने 20 ओवर में 214 रन का विशालकाय स्कोर खड़ा किया था। रिद्धिमान साहा ने 39 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 54 रन की पारी खेली थी। वहीं शुभमन गिल ने 20 गेंदों में 7 चौके की मदद से 39 रन बनाए थे। साई सुदर्शन ने 47 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्के की मदद से 96 रन की बेहतरीन पारी खेली। कप्तान हार्दिक 12 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं चेन्नई के लिए डेवोन कॉनवे ने 25 गेंदों में 47 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने 16 गेंदों में 26 रन, अजिंक्य रहाणे ने 13 गेंदों में 27 रन और अंबाती रायडू ने 8 गेंदों में 19 रन की पारी खेली। शिवम दुबे 21 गेंदों में 32 रन और रविंद्र जडेजा 6 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।